नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सही फंड परो के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत से दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हमारे मोबाइल में सही फंड परो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, हमारे में फ्री नेट नहीं चलता। कुछ दोस्तों के कमेंट आते थे कि कुछ टाइम चलने के बाद इंटरनेट अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका पीसी फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, सही फंड प्रो की सेटिंग को छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका सही फंड प्रो उनके मोबाइल में काम नहीं करता। तो दोस्तों, हमको इस एप्लीकेशन में क्या क्या सेटिंग करनी होगी और कैसे हम अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हैं सही फंड प्रो में और एक बहुत ही अच्छी स्पीड में। और दोस्तों, कुछ दोस्तों के ये भी कमेंट आते थे कि इसमें इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं चलती। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसमें इंटरनेट की स्पीड को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आपके एप्लीकेशन में भी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आप ही फिर कमेंट करके बोलोगे कि ये वीडियो फेक है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा करो, तभी दोस्तों आप डिसीजन लिया करो वीडियो सही है या फेक है। अगर दोस्तों आपने भी प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें इंटरनेट स्पीड 2 Mbps की आती है। तो दोस्तों, कैसे हम इस एप्लीकेशन में इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी ला सकते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, या तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना, या दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपने ब्राउजर के यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने क्रोम ब्राउजर के यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट साइड में एरो का निशान दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको यहाँ एरो वाले पर यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट पे कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा सही फंड प्रो। आप यहाँ पर सर्च में लिख देंगे सही फंड। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सर्च बार में लिखते हैं सही फंड, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों आपके यहाँ पर ऊपर वाली ये साइट दिखाई दे जाएगी सही फंड .ca। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएगा गेट सही फंड, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा सही फंड फॉर एंड्रॉयड डायरेक्ट डाउनलोड। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर लेना होगा और ये फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखिए दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन है बहुत ही कम MB की एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छे से ये आपके मोबाइल में चलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपके यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, हम इसको यहाँ पर डन कर लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे, हमारी एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारी दूसरी सिम में यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो दोस्तों हम यहाँ पर उसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। और फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चला के दिखा दूँगा फिर यहाँ पर कितनी स्पीड इसकी यहाँ पर आती है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सिम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी दोस्तों सिम चेंज हो चुकी है। हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको यस कर लेना होगा। हमने दोस्तों इसको यहाँ पर यस कर लिया और यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑलवेज अलाउ पर यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेने होगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, होम, स्टेटस ऑप्शन और लॉक्स का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेटस में कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ ऑप्शन में चले जाना। यहाँ पर चले जाने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट सर्वर रीजन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस पर ही इसको यहाँ पर रखना और यहाँ पर ओके कर लेना होगा। तो दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वीपीएन सेटिंग। यहाँ पर वीपीएन सेटिंग में चले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टनल ऑल ऐप्स पर यहाँ पर इसको यहाँ पर रखना होगा। और दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्रॉक्सी सेटिंग की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग देख लेते हैं हम यहाँ पर लॉक्स की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप यहाँ पर होम में आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपके यहाँ नीचे एक तरफ ऑप्शन दिखाई दे जाएगा स्टार्ट का, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये स्टार्ट होने के बाद कुछ सेकंड के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ होम वाले बटन को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब बैक आ जाने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारा दोस्तों यहाँ पर YouTube ओपन हो चुका, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पीड और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंटरनेट चल रहा। तो दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशन की सहायता से फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं और अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हैं। जो प्रॉब्लम दोस्तों आपको यहाँ पर फेस हो रही थी वो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं आएगी और आप दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पीड में इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता तो दोस्तों आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी मैसेज डाल सकते हैं।